जब मजाक में कही एक बात हो गई सच, ऐसा हुआ इस लड़की के साथ। क्या दीप्ति को अपनी मौत का एहसास हो गया था? शायद हाँ, क्योंकि उसने राजस्थान के गोगा मेड़ी दर्शन को जाने से पूर्व स्कूल में छुट्टी के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र में कुछ ऐसा ही लिखा है। पत्र में लिखा है कि वे अब स्कूल नहीं आएगी। इस लाइन को पढ़कर क्लास टीचर विवेक पलिया ने भरी क्लास में उसे टोका था। क्या है पूरा मामला? जब से दीप्ति के एक्सीडेंट की खबर आई, उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी उसके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। उसकी सहेली अंजलि चौहान ने बताया कि गोगा मेड़ी जाने से पूर्व हमने ऐसे ही यूं ही पूछा था कि कहां जा रही है। बोली ऊपर। हमने कहा पागल है क्या? तो दीप्ति ने कहा कि सच में मैं चली जाऊंगी तो सबसे ज्यादा तुम मुझे मिस करोगे, रोओगे, याद करोगे। यह कहकर वे खिलखिला उठी थी। अंजलि ने कहा कि हमें क्या मालूम, वो उस समय सच बोल रही थी। गुरुवार को दीप्ति का शव जयपुर से भरतपुर लाया गया। सहेली रुचि, प्राची, आशी, अंजलि, नेहा, गरिमा, अंशी, आकांक्षा आदि ने छलछलाई आंखों के बीच दीप्ति के शव पर फूल चढ़ाए। दीप्ति की अंत्येष्टि अनाह गेट मुक्ति धाम में हुई। मुखाग्नि भाई मयंक ने दी शोक सभा कर किया याद। सोनी एकेडमी स्कूल ने दीप्ति की याद में पौधरोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही गुरुवार को शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी। निदेशक विकास सोनी ने बताया कि दीप्ति की याद में 16 स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा। वहां बड़े पौधे लगाए जाएंगे और वृक्ष बनने तक उनकी देखरेख की जाएगी। 16 साल की थी, स्कूल में 16 जगह होगा पौधरोपण। कक्षा 10 में 88% अंक के साथ पास हुई दीप्ति की सामाजिक सोच भी तेजी से परिपक्व हो रही थी। उसकी खास सहेली अंजलि चौहान ने बताया कि वह अक्सर कहती थी कि लाइफ को फालतू मत बिगाड़ो, जब भी और जहां भी रहो कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद करें। और उसने मरते दम अंगदान कर 4 लोगों को जिंदगी देकर यह कर दिखाया। दीप्ति सोनी एकेडमी में 12वीं कॉमर्स में अध्ययनरत थी और हाल ही में उसने CPET का फॉर्म भरा था। 12 दिन पहले हुआ था हादसा। हादसा 29 जुलाई को हुआ था। दीप्ति गुप्ता अपने परिजनों के साथ गोगा मेड़ी दर्शन को गई थी। लौटते समय रिंगस के पास दुर्घटना में दीप्ति सहित उसकी बुआ की लड़की नीतू, ताऊ की लड़की चारू सहित पिता अनिल कुमार, माँ प्रीति, ताऊ अनूप गुप्ता, ताई अरुणा, ताऊ की लड़की चारू कीर्ति आदि के भी चोट आई थी। दीप्ति के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा नीतू के भी काफी चोट आई थी। दीप्ति के पिता अनिल कुमार मेडिकल शॉप चलाते हैं। 4 लोगों को दे गई जिंदगी। दीप्ति तो दुनिया छोड़ गई, लेकिन 4 अंग दान करके 4 लोगों को नई जिंदगी दे गई। इनमें से जयपुर में 2 लोगों को किडनी और 1 को लिवर लगाया गया है। हार्ट मुंबई के फोर्टिस अस्पताल भेजा गया है, जहां दामिनी के हार्ट लगाया गया। चारों अंग के प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफल रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट दिल्ली के ILBS अस्पताल के डॉक्टरों के सहयोग SMIS अस्पताल में तथा किडनी ट्रांसप्लांट SMIS अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में किया गया।